मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में पुरानी पेंशन बहाल कराने के लिए कर्मचारियों ने एक अनोखे प्रदर्शन का रास्ता अपनाया है। इसके तहत उन्होंने प्रदर्शन के रूप में रक्तदान किया और खून से प्रधानमंत्री को पत्र लिखा। दरअसल बैतूल में NMOPS संगठन द्वारा रविवार को जिला अस्पताल में अर्धसैनिक बलों को समर्पित रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से जवानी में खून लो, बुढ़ापे में पेंशन दो को चरितार्थ किया गया। कर्मचारियों का कहना है कि हमारा रक्त अर्धसैनिक बल को समर्पित होगा, क्योंकि वह भी हमारी तरह ही पेंशन विहीन है। हम सरकार से यह अपील करते हैं कि अर्धसैनिक बलों की पुरानी पेंशन सबसे पहले बहाल करें। उन्होंने आह्वान किया कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगी, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। ये वैसे तो अर्धसैनिक बलों को समर्पित है रक्तदान का कार्यक्रम, लेकिन मुख्य उद्देश्य हमारा है कि शासन प्रशासन तक, मुख्यमंत्री महोदय तक और प्रधानमंत्री महोदय तक हमारी बात पुरानी पेंशन जो कि 2004 में शासन ने बंद की है उसे बहाल करने के लिए हम पूरे देश में ही यह रक्तदान शिविर लगा रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। क्योंकि क्या हुआ है कि 2004 में जब केंद्र शासन ने पुरानी पेंशन बंद करके NPS लागू किया गया, जिसे नेशनल पेंशन स्कीम कहा जाता है, उस स्कीम में जैसे जैसे हमारे साथी रिटायरमेंट हो रहे हैं तो उन्हें मात्र 1195 रुपये पेंशन मिल रही है। जबकि पुरानी पेंशन में ऐसा था कि आपके वेतन के का आधा पेंशन के रूप में मिलता था, लेकिन आज 1195 रुपये, 1000 रुपये, 500 रुपये अगर पेंशन मिलेंगी तो आप बताइए कि हम लोग कैसे हमारे परिवार का जीवन यापन करेंगे। कर्मचारियों का कहना है कि जो पेंशन बंद हुई है वह बहाल होना चाहिए, अगर नहीं होगी तो हम लोग आंदोलन करेंगे। इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि जो हमारे शासकीय कर्मचारी हैं जिनकी पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है उसको फिर से चालू करवाना है। JSR टाइम्स के लिए बैतूल से शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट।